बर्ड फ्लू की वजह से इंदौर के कई पशु पक्षी प्रेमी इन बेजुबानों की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। ऐसी ही एक संस्था करुणा सागर है जो समय समय पर पशु पक्षी के हित में अनेकों कार्य करती है। सोमवार को संस्था करुणा सागर के सदस्यों ने रीगल चौराहे पर वृक्षों पर पक्षियों के लिए मटकियों के घरौंदे लगाए। सोमवार को संस्था करुणा सागर के राजू सागर और उनके बड़े भाई मोहन सागर विद्युत मंडल के वाहन को लेकर रीगल चौराहे पर पहुंचे। साथ में इनके पास पक्षियों के लिए मट्टी से बनी मटकियां थी जिन्हें रीगल स्थित पेड़ों पर लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष राजू सागर का मानना है कि घरौंदे से पक्षियों को बारिश और ठंड से निजात मिलेगी। संस्था द्वारा नेहरू पार्क में स्मार्ट सिटी कार्यालय है, वहां पर भी पक्षियों के काफी पेड़ हैं, उनके ऊपर भी घरौंदों को लगाया जाएगा। उक्त संस्था इस प्रकार के कार्यक्रम विगत कई वर्षों से करती चली आ रही है। आगामी दिनों में उक्त संस्था के राजू सागर मोहन सागर द्वारा पितृ पर्व राला मंडल एवं अनेक जगहों पर पशुओं के घरौंदे लगाए जाने का संकल्प भी लिया गया। देखो सबसे आखिरी में सही था वो, ये घर। संस्था करुणा सागर पशु पक्षी जीव जंतु सेवा संस्थान की एक सेवा संस्थान है जिसका संचालन हम मोहन सागर और राजू सागर मिलकर करते हैं और उसी कड़ी के अंदर आज रिगल टाकी गांधी प्रतिमा के ऊपर परिंदों के घरौंदे बनाए गए हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मटकी के बने हुए हैं। इनको दो बांस के बीच में एक चेन बनाई गई हुई है, उसके अंदर उस चेन के अंदर इनको सात सात मटकियों को बांध के इनको झाड़ों पर टांग के लगाया जा रहा है। ये आप देख ही रहे हैं और यह सामने भी रखे हुए हैं। यह काफ़ी संतुलित है, व्यवस्थित है और इसके अंदर इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। इनको ठंड से भी बचाव होगा, बारिश से भी बचाव होगा और प्रज्वलन की जो प्रतिक्रिया रहती है वो भी इसके अंदर ये आराम से कर पाएंगे। कार्यक्रम तो हमेशा चलता रहेगा और आगे जैसा जैसा माहौल बनेगा उस स्पेस पर हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। और पशु पक्षी है, यदि हमें मौका मिला तो जो जंगल में जो जमीनी जानवर रहते हैं हम उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम कुछ करेंगे।